हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे पावर फैक्टर कैसे मेंटेन करते हैं। अभी पावर फैक्टर हमारे आ रहा है 0.88, तो हमको इसमें 15 kVAr के कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, तब पावर फैक्टर मेंटेन होगा। तो हम 15 kVAr के कैपेसिटर लेके आ गए, हमने 10-10 के दो लेके आ गए और 5 का एक एक्स्ट्रा उसमें पहले लगा हुआ वो खोल लेंगे। तो हम बताते हैं कि कैपेसिटर को कैसे ऐड करते हैं। अपने कैपेसिटर को ऐड करने के लिए हम तीनों तार 3 फेज का कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को पहले खोल लेते हैं। ये पहला कैपेसिटर तो हमने लगा दिया, लेकिन अब दूसरा कैपेसिटर पे हम बता रहे हैं आपको कैसे लगाएंगे। तो ये कैपेसिटर पहले हमने सीमेंस का लगा हुआ है, तो ये ख़राब हो गया, वीक हो गया, तो इसको खोल लेते हैं पहले। खोल लिया कैपेसिटर को। फिर ये पहले वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके तार को ही हम यूज़ करेंगे और इस पर ही हम नया कैपेसिटर लगा देंगे। सीमेंस पैरेलल ही लगाना है कैपेसिटर, तीनों फेज पे तीन तार लगा देना है। ये पैरेलल हो गया, फिर इस पर हम एम्पियर वगैरह कैसे नोट करें वो भी आपको बताएंगे। और या फिर इसमें आपको पावर फैक्टर कैसे मेंटेन करते हैं, पावर फैक्टर कैसे चेक करते हैं मीटर में, वो भी बताएंगे आपको। ये थोड़ा मैं नज़दीक से आपको बता देता हूँ। देखो, पहला वाला कैपेसिटर सीमेंस का है, ये सीमेंस कंपनी का है। अब आर हम जो कैपेसिटर लगा रहे हैं वो मोमाया का है, बढ़िया कंपनी का है, कोई दिक्कत नहीं। मोमाया सबसे बेस्ट कैपेसिटर आते हैं। कैपेसिटर खोलने से पहले, हाथ लगाने से पहले हम चेक कर लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर अगर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाते हैं तो कैपेसिटर चार्ज भी रह जाते हैं, चार्ज रह जाते हैं, तो फिर हमें करंट का झटका लग सकता है 440 वोल्ट का। प्लस से हम कौन लेंगे पाना, इसमें 8 नंबर का आया है, 8 नंबर एक का आया, तो इसमें हम प्लस ही खोल लेंगे। थोड़ी नाइट की वीडियो इसलिए थोड़े आपको साफ नहीं दिखाई दे रही हो, तो नया कैपेसिटर ब्लैक कलर का है, जो आपके साइड में दिख रहा होगा आपको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी इच्छा हो करे तो, क्यों मुझे बताया है। आपको अगर ज़रूरत होगी तो आप वैसे ही कर लोगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो बॉल मिल है दोस्तों, मैं आपको इसका भी थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। ये गियर लगा हुआ है, ये गेम मोटर चलती तो फिर गियर घूमता है, तो गियर से ये पिनियन घूम पूरा प्लांट घूमता है। पूरा डिटेल आपको बता देता हूँ, ये मोटर लगा हुई क्लोज करके, पानी की टंकी से चलता है ये। ये नया कैपेसिटर हमने खोल लिया, नए कैपेसिटर में 3 का नट दे रहा, टेस्टिंग रिपोर्ट है ये। कैपेसिटर की टेस्ट करते हैं तो उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट भी कैपेसिटर वाले अंदर कंपनी डाल के भेजती है, ये हमारा बुद्ध कोई काम की नहीं है। अब हम इसको खोल लेंगे, खोल के इसमें तार, तीनों तार स्टेट दिख रहे हैं, इसमें आपको एक एक तार लगा लेना है, फिर इसको टाइट कर लेना है। टाइट कर लिया। अब हम इसको पे कर देते हैं और ये पावर फैक्टर आप चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये पावर फैक्टर 998 आ गया है, यानी 1 से भी नहीं जाना है, 998 तक ही रहना है, तब पावर फैक्टर अच्छा मेंटेन करेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़।